अभी क्या है कि मैथ्स का तो, मामा हाँ मुझे एक्टिवा चलाने से बेटा पहले अपन मुंह चलाना बंद कर दें। मम्मी ऐसे बाल करवाने कोई पालतू पकवान नहीं होगी। देखना कितना अच्छा लगे, देखो नहीं मैं नहीं रखूंगी, देखना ये बनाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत बंधन अभिनंदन एक और नई वीडियो में आप सभी का। आपका क्या हाल चाल है? अपना तो वही हड्डी वही खाल है, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं रेलवे स्टेशन से, उसको दिखाता हूँ आपको मैं कुछ तस्वीरें। अभी मैं रेलवे स्टेशन किसी काम से आया था, सोचा कि आपको ये सब दिखा दूँ मैं, और अब सोचा एक ब्लॉग और चालू कर दूँ मैं सुबह सुबह। अभी क्या दिन के 11 बज रहे हैं और सूर्य देवता आज प्रकट ही नहीं हुए हैं सुबह से, क्योंकि धूप निकली ही नहीं। शायद आज फिर भी मौसम अपना करवट बदला है और बारिश होने की संभावना है, आसमान में बादल लगे हुए हैं। तो अभी अपना काम स्टेशन ख़त्म हो गया तो चलते हैं घर पे। मोहित हमें छोड़ के स्टेशन अंदर गया है, थोड़ी देर में आने वाला है तो आएगा और फिर चलेंगे अपन घर पे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है क्रेन, रेलवे की क्रेन। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्रेन जो कि दुर्घटना और रेलवे के कार्यों में पहले काम करती थी, लेकिन अभी इस समय इसके ऊपर उधर रख दिया गया है म्यूजियम में और देखने के लिए। ये कोयले से चलती थी और थोड़ा यहाँ से निकला था तो हर रोज़ देखता था, ऐसे सोचा कि आज आपको इसके बारे में बता दूँ। तो ये रहा इसका कोयले का सेक्शन, यहाँ पे कोयला लगता था इसका। इधर कोयले से ट्रेन चलती थी ये पूरी, और ये रहा इसके केबल्स। अभी भी शायद ये चालू स्थिति में होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी पहले इस पर जो कलर था रेड और ग्रीन था, लेकिन अभी पता नहीं क्यों इसका शायद कलर का काम चालू है, तो इसके बाद में थोड़े दिनों बाद कलर भी देखने को मिलेगा हमको। इधर से निकल रहा था, सोचा आपको दिखा दूँ। और ये देख रहे हैं आप, ये है रेलवे हॉकी स्टेडियम। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए वो रखा हुआ है इंजन। तो ये जो ट्रेन का इंजन रखा था, मैंने पूछा उसकी वीडियो बनाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। ये रेलवे इंजन नैरो गेज ट्रेन का है, और आपको बता दूं कि पुरानी जो नैरो गेज ट्रेन थी अभी वो बंद कर दी गई ग्वालियर में, और बंद करने के बाद ये हमारे जो महाराज श्रीमंत सिंधिया जी थे उनके परिवार ने ये नैरो गेज ट्रेन चालू कराई थी, और अभी इसको टोटली बंद कर दिया गया है। आगे भविष्य में पता नहीं क्या चालू कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में हमको पता नहीं है। अभी मोहित आने वाला है, चलेंगे घर पर। तो मोहित भी आ गया है, देखिए तो चलिए चलते हैं घर पर। चलो दोस्त धन्यवाद, जल्दी लौट आए, चलो चलते हैं, चलो हम लोग आ चुके थे अभी जस्ट अभी घर पर, और नहा धो के हुए अपन रेडी, अब चलिए चलते हैं खाना खाते हैं। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ये सुनकर बहुत आहत हुआ है। जब मैं ग्वालियर में नहीं था और ट्रिप पे था और शादी और से अटेंड कर रहा था, तभी मेरे घर पर जो चिड़िया के बच्चे थे जिसमें से दो बच्चों ने दम तोड़ दिया, पता नहीं क्या कारण था, लेकिन अब वो दो नहीं रहे, अब एक ही बच्चा बचा हुआ है। अब ये एक ही पीला वाला बच्चा बचा हुआ है, बाकी दोनों बच्चे अब नहीं रहे, उन्होंने दम तोड़ दिया था जब मैं ग्वालियर में नहीं था। बाकी चिड़िया पूरी हैं और अभी भी अंडे रखे हुए हैं इन तीनों में, एक दो तीनों मटकियों में, लेकिन जो बड़े बच्चे थे उसमें से एक ही बच्चा बचा है, ये पीला वाला, बाकी दो अब नहीं रहे। तो पता नहीं क्या कारण रहा होगा, और जब मैं नहीं था तब ये बच्चे नहीं रहे। मेरे पास फ़ोन आया था मोहित का कि शायद मैंने उनके जो कॉलोनी है चिड़ियों की उसके आसपास छिपकली देखी है, क्या पता छिपकलियों ने उन बच्चे को काट लिया हो इसलिए मर गए हों, लेकिन पता नहीं क्या कारण था। बाकी अब तो पूरी सेफ्टी कर दी है और छिपकली का आने का तो सवाल ही नहीं होता अब, क्योंकि दवाई भी नीचे डाल दी हमने छिपकली की, लेकिन अब देखते हैं क्या है। एक ही बच्चा बचा हुआ है, बाकी सब में अंडे रखे हुए हैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है अपना कम्प्लीट, और खाने में मिर्ची बहुत टेस्ट थी आपको लग रही होगी, और बाकी कमरे में लाइट थोड़ी कम रहती है ब्लॉगिंग के टाइम पे, तो लाइट लगा रहा है अभिषेक। तो हमारे अभिषेक ने एक गैजेट बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी कमाल की चीज़ बनाई है हमारे अभिषेक ने। नेट से देख देख के बहुत कुछ सीख जाता है हमारा अभिषेक, दिखाओ अभिषेक जरा। ये देखिए ये बनाया हमारे अभिषेक ने, ये क्या है अभिषेक?
तार छीलने वाली मशीन और काटने वाली। बताओ ये तार छीलने वाली और वायर छीलने वाली और काटने वाली मशीन कैसे काटते हैं वायर, इससे दिखाओ जरा। देखो ये, देखो ये वायर छिल गया। अरे वाह अभिषेक, ये देखिए वायर छिल गया पूरा, हमारे अभिषेक ने छील दिया। और काटते कैसे इससे, वाह ये तार कट गया। वाह अभिषेक, हमारा अभिषेक भी नेट से देख देख के बहुत सी चीज़ें सीख गया। बाकी अभिषेक हमारा लाइट फिटिंग करेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग के टाइम लाइट में दिक्कत आती है। इधर ये बल्ब चालू नहीं है वाला, ये चालू है और ये चालू है। और इधर ये अभिषेक ने ट्यूबलाइट ली थी 20 रुपये की किसी ठेले वाले से, है अभिषेक कितने की ली थी? 20 रुपये की टी ट्यूबलाइट ली थी 20 रुपये की अभिषेक ने, जो ख़राब थी अभिषेक ने इसे चालू कर दी और अभिषेक इसको इधर लगाएगा। तो वो कहते हैं ना हमारा आधा इंडिया जुगाड़ चलता है, तो हमारे अभिषेक के पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है इसलिए चक्कू से काम चला रहा है। और आधा इंडिया करता भी यही है, स्क्रू ड्राइवर कम यूज करता है और चक्कू घर के चाकू ज़्यादा यूज होते हैं किचन के। हर स्क्रू ड्राइवर का काम ज़्यादातर चाकू ही करता है, देख के अभी से लगा मत लेना हाथ में। क्या कह रहे हैं, दुकान डाल दें? दुकान नहीं, अभी इसी का हमारा भी आर्मी की तैयारी कर रहा है, इंडियन आर्मी की। अगर अच्छी मेहनत रही और अच्छे कर्म रहे हमारे अभिषेक के, तो जल्दी जल्दी अभिषेक हमारा नौकरी पे लगेगा, फिर हमें अभिषेक पूरी दुनिया घुमाएगा। घुमाएगा अभिषेक है, अगर अगर नई भी लगी नौकरी तो कम से कम ब्लॉग तो बनाएंगे बनाएंगे भाई, अपन दोनों मिल के हैं अभिषेक हैं, पूरी दुनिया तो घूमी लेंगे कम से कम ब्लॉग से। तो अभिषेक और हमारा प्लान है लगभग ये वाला, कौन सा अभिषेक, कि अगर अभिषेक की नौकरी नहीं लगती तो अभिषेक और हम ब्लॉग चैनल बनाएंगे और एक बाइक पे पूरी दुनिया घूमेंगे, है अभिषेक। हाँ तो अगर हमारे अभिषेक की नौकरी नहीं लगती इंडियन आर्मी में, तो वैसे चांस पूरे हैं और मेहनत भी कर रहा है अभिषेक हमारा, अगर बाई चांस नहीं लगती तो एक ब्लॉग चैनल बनाएंगे, ये ब्लॉग चैनल अलग रहेगा हमारा और ट्रैवलिंग ब्लॉग चैनल अलग रहेगा। और अभिषेक और हम एक बाइक पर लगभग पूरी इंडिया घूमेंगे, पूरी दुनिया, इंडिया के बाद पूरी दुनिया घूमेंगे बाइक से। और वो चैनल आपको अभी नहीं, भविष्य में बताएंगे आपको, भविष्य मतलब कन्फर्म ही नहीं हो बने नहीं बने, क्योंकि अभिषेक नौकरी पर लग जाएगा तो फिर कौन बनाएगा वो चैनल, सही है ना अभिषेक। और अगर ब्लॉग चैनल नहीं बना तो लाइट की दुकान तो खोलेंगे फिर हम। तो अभी 7:30 बज चुके हैं, अभी सुबह उठे हैं हम लोग, हम लोग मतलब मैं अकेला और कोई नहीं घर में। और 7:30 बजे आज फाइनल मैच है IPL का, वो देखेंगे। तो फाइनल मैच देखने के बाद मिलेंगे आपसे, और अभी थोड़ा हुलिया भी ठीक कर लें अपना, क्योंकि अभी सो के उठे हैं अपन। बाकी लाइट लगाई आज हमने, तो लाइट का उजाला भी ठीक ठाक आ रहा है अब सब जगह, अब ऐसी कोई लाइट की दिक्कत नहीं है कमरे में भी। ज़्यादातर ब्लॉग कमरे से ही शूट करता हूँ, तो इसलिए लाइट लगाना भी ज़रूरी थी इसमें। अभिषेक ने बहुत मदद की हमारी, तो अभिषेक के लिए थैंक यू दोस्तों। तो अभी क्या है कि मैच का, तो हाँ मुझे एक्टिवा चलानी है बेटा, पहले बार मुंह चलाना बंद कर दें, बाद में चलाना। तो हमारी प्रीति को एक्टिवा चलाना सीखनी है, लेकिन प्रीति पहले अपना मुंह चलाना बंद कर दे, उसके बाद एक्टिवा चलाना सीख पाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो मुंह चला ले या एक्टिवा चलाने, बता क्या करना चाहिए। एक्टिवा चलाना सीखनी, मुंह चलाना बंद कर देगी तो फिर एक्टिवा नहीं सीख पाएगी। तो प्रीति को एक्टिवा सिखाना कैंसिल, क्योंकि प्रीति अपना मुंह चलाना बंद नहीं कर सकती। और बाकी का आज का म्यूज मैच था जो, वो रह गया कल के लिए, क्योंकि बारिश ही बंद नहीं। मम्मी
तो भाई बाद में करेंगे प्रैंक मम्मी के संग, अभी भैया का हो गया एक्सीडेंट तो इसलिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। नहीं भाई, भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि पता नहीं भाई के संग क्या हो गया, तो दौड़ ला के भागे हम। हालांकि अब तो सब ठीक है, नॉर्मल है वो, आगे वीडियो आगे बनाते हैं, माँ के साथ प्रैंक करते हैं एक छोटा सा। कल कितने बजे आएंगे? मता मैं 3 बजे से पहले नहीं आता। मम्मी ऐसे बाल करवाने? मानो कोई दर्द करने हैं? हैं? और जी काकल लगा था ना? कितने? जी काल लगा है? कहाँ पे? मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसे बाल लगवाने? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाने, मैं करवाने नहीं चला रहा था। नहीं? हैं? लगवा लेंगे ऐसे बाल? ना आ। अच्छे लगेंगे? हैं? ये सफेद सफेद क्या लग रहे हैं? अरे कलर कराया मैंने, यही चक्कर में तो करवाया, कल जाना लगवाने। नहीं, ये नहीं करवाना। अरे कल की नहीं करवाना है, पैसे जमा है, पैसा लिया हमारा ना, पैसा नहीं है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। नहीं तो ये सभी 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 लगवाया जे क्रीम उस पे? नहीं, अलग ही रंग चुरा दे, पालतू भगवान नहीं होगी। देखना कितना अच्छा लगे, देखो। नहीं मैं नहीं लगाऊंगी। देखना ये दिल बनाएगा? नहीं अच्छे लगेंगे। नहीं ये देखो, ये मैं नहीं करवा रही। ये देखो, बिल्कुल नहीं, जा रोटी खा ले। देखो 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 मम्मी, देखो तो मम्मी, देखो अच्छे लग रहे? नहीं हम नहीं करवाएंगे। अरे इतनी बड़ी बड़ी करवाऊंगा, ज्यादा नहीं। तू जा यहां से, नहीं रखी हो जहाँ से मम्मी नाम है। कौन सी ऐसे बाल करवा रहे? हाँ देखो, अरे वो छोटे में होते हैं, देख ये छोटे बाल हैं, देख अब इसमें लग जाएंगे जी, बाल लग जाते हैं, वो तो अलग से होते हैं, देखो लग गए। दवाई लगवाओ, हल्दी का दूध पी ले, समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ तो हल्दी के दूध से सही। अरे नहीं पता सही क्या है। तो मम्मी के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था अपन ने, जो कि सक्सेसफुल रहा। हालांकि भाई साहब ने बता दिया उन लोगों को इशारे में कि कैमरा रखा हुआ है, वरना वीडियो थोड़ी और लंबी होती तो और मजा आता। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर करें। तो गाइस अभी बज रहा है रात का 2 और ब्लॉग के एंडिंग का टाइम आ चुका है। वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है एडिटिंग, और इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो मेरी तो प्लीज़ अपन लाइक और कमेंट जरूर करें, और सदस्यता जरूर ले लें मेरी, वीडियो पर आकर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अपन 100 तो बहुत पहले हो गए थे, और 1K यानी कि मोनेटाइज होने में थोड़ा टाइम रह गया, करीब थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए अपने, तो फटाफट फटाफट मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दें, जिससे कि चैनल मोनेटाइज हो जाए। और अपने पास समय भी कम है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। गुड नाइट।